सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सबनेट. नाउ इस वीडियो में सबनेट मास्क देखेंगे. नाउ सबनेट मास्क की क्या जरूरत है हमें, व्हाई सबनेट मास्क हमें बनाना पड़ता है, या फिर रिक्वायरमेंट क्या होती है एक्चुअली. बिना इसकी रिक्वायरमेंट यानी कि इसकी जरूरत के बिना मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में नहीं आएगा. तो पहले ये देखते हैं कि क्यों इसकी जरूरत पड़ती है. लेट अस सपोज कि हमारे पास एक सबनेट है, एक सबनेट बनाते हैं हम पहले. ओके, एक नेटवर्क है और उसको मुझे फोर पार्ट्स में डिवाइड करना है, फोर सब नेटवर्क्स में डिवाइड करना है. तो यहाँ पे मैं फोर सबनेट्स बनाऊंगा और सेम एग्जांपल ले लेते हैं 200.1.2.0 यानी कि क्लास सी का नेटवर्क है. तो मैं अभी फोर पार्ट्स मुझे चाहिए, तो मैं कितनी बिट सिलेक्ट करूंगा होस्ट आईडी में से, यहाँ पे कितनी बिट सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं दो बिट सिलेक्ट करूंगा. ओके, तो दो बिट सिलेक्ट करूंगा तो फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा, 00, सेकेंड होगा 01 एंड थर्ड होगा 10, फोर्थ होगा 11. ओके, सो नाउ फर्स्ट पार्ट की हमारी रेंज क्या होगी आईपी एड्रेस की. तो हमारे पास क्लास सी में टोटल 256 होते हैं, तो फर्स्ट होगा 0 to 63, सेकेंड होगा 64 to 127, थर्ड होगा 128 to 191 एंड 192 to 255. ओके, ये मैंने डायरेक्टली किया हुआ है. और ये किस तरह से बनाया जाता है, इससे पहले की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है दो पार्ट्स बना के. यहाँ पे सेम प्रोसेस करनी है फोर पार्ट्स में डिवाइड करके. ओके, लास्ट बिट जो होता है वहां पे हम सीधा फर्स्ट दो बिट सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट 1111, वही प्रोसेस जो हम रिपीट कर रहे हैं. तो यहाँ पे टॉपिक को थोड़ा, वीडियो को कम करने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा हूँ. नाउ ये तो हमने सबनेट बना लिए, यहाँ पे हमारे पास चार नेटवर्क है. दैट मीन्स कि सबकी नेटवर्क आईडी होगी हमारे पास, यानी कि अगर सपोज पर्टिकुलर इस नेटवर्क की बात करूँ, इस सब नेटवर्क की बात करूँ, तो यहाँ पे इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी, 200.1.2.128. ओके, क्यों, क्योंकि 128 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे नेटवर्क में, ये सब नेटवर्क इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, नाउ यहाँ पे इस तरह से इसकी भी 200.1.2.192, सेम वे 200.1.2.0 एंड 200.1.2.64. ओके, ये नेटवर्क आईडी से क्या पता चलता है कि मुझे कौन से नेटवर्क में पैकेट सेंड करना है. अब अगर मैन्युअली बात करें तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक पैकेट है, ओके, उसके अंदर एक मैसेज है, सोर्स एड्रेस है. अब डेस्टिनेशन एड्रेस में मुझे ये नेटवर्क को मैं टारगेट कर रहा हूँ. नाउ यहाँ पे मैन्युअली अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो मुझे पता चल जाता है, अगर पैकेट को मुझे 130 पे भेजना है तो वो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि इसमें जाएगा, क्योंकि हमारे पास ग्राफिकली और डायग्राम से सब पता चलता है. लेकिन अगर सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर में ये चीज़ करनी है, तो सॉफ्टवेयर में कैसे पता चलेगा कि इस नेटवर्क को ही जाना चाहिए. सॉफ्टवेयर के पास होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यहाँ पे नेटवर्क आईडी क्या है इस सब नेटवर्क की, तभी हम यहाँ पे पैकेट पहुंचा पाएंगे. तो इसके लिए हमारे पास एक टर्म है जो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अभी, सबनेट मास्क. नाउ सबनेट मास्क से हम पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी कौन सा होगा. नाउ किस तरह से पता लगा सकते हैं सबनेट मास्क से. नाउ इससे पहले कि सबनेट मास्क स्टार्ट करूं, लेट मी से कि ये सब नेटवर्किंग की वीडियो में मैं बताना भूल गया था कि जितने भी हम सबनेट बनाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम नेटवर्क बनाते हैं और तो हमारा जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होता है वो नेटवर्क आईडी बन जाता है, लास्ट होता है वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाता है. नाउ सबनेट्स बनाते हैं तो हमारा लॉस एक होता है कि यहाँ पे अगर फोर सबनेट्स है तो पर्टिकुलर एक सबनेट में मेरे दो आईपी एड्रेस जाएंगे. तो यहाँ पे फोर सबनेट्स है तो टोटल मेरे पास कितने आईपी एड्रेस जा रहे हैं, मेरे टोटल 8 आईपी एड्रेस चले जाएंगे. क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर एक सबनेट में एक नेटवर्क आईडी होगा और एक ब्रॉडकास्ट, एक नेटवर्क आईडी एक ब्रॉडकास्ट. इस तरह से पूरे नेटवर्क में मैं सबनेट्स अगर 4 बनाता हूं तो मेरे टोटल 8 आईपी एड्रेस लॉस हो जाएंगे, तो मैं उतने कम होस्ट बना पाऊंगा. ओके, ये चीज मैं बताना भूल गया था प्रीवियस वीडियो में. नाउ लेट अस सी कि अब यहां पे सबनेट मास्क क्या है. सबनेट मास्क के कुछ रूल्स है यहां पे. अगर मैं सबनेट मास्क की बात करूं तो यहाँ पे सबनेट मास्क में अगर मैं क्लास सी को, यानी कि क्लास सी का मैं सबनेट बना रहा हूँ, ओके, और यहाँ पे सॉरी क्लास सी का मैं सबनेट मास्क बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे पहले पता होना चाहिए कि मैंने कितनी बिट सिलेक्ट की है, यानी कि यहाँ पे सबनेट आईडी क्या होगा, सबनेट आईडी की बिट्स कितनी है. सो हमारी जो नेटवर्क आईडी होगी
एंड सबनेट आईडी होगी, वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगी, वंस, एंड जीरोस रिप्रेजेंट करेंगे होस्ट आईडी। तो यहां पे हमने कितनी बिट सिलेक्ट की है, 2 बिट सिलेक्ट की है, दैट मींस कि हमारे वंस कितने होंगे पर्टिकुलर, आगे अगर क्लास सी है तो नेटवर्क आईडी टोटल 24 बिट की है, तो यहां पे 1111111 ओके डॉट 1111111 एंड डॉट, ये क्या है मेरी नेटवर्क आईडी है, 8 बिट्स एंड 8 बिट्स। नाउ डॉट करके यहां पे मेरे जो लास्ट बिट है उसमें हम होस्ट डिफाइन करते हैं। तो होस्ट डिफाइन करते हैं तो यहां पे फर्स्ट 2 बिट्स मैंने सिलेक्ट किए, जैसा कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 2 बिट्स हमने सिलेक्ट किए, तो 2 बिट्स वो कौन सी है, वो हमारी सबनेट आईडी है। तो सबनेट आईडी को भी वो हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी की जो रह जाती है वो क्या है, हमारी होस्ट आईडी, तो होस्ट आईडी को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये हो गया। नाउ ये जो हमारा है उसको हम बोलेंगे सबनेट मास्क, ओके। नाउ सबनेट मास्क इसको हम हमारे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाता है सब वन है तो 255.255.255.128+64 यानी 192। तो ये क्या, ये जो है उस वो हमारा डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबनेट मास्क है। नाउ सपोज मेरा जो पैकेट है उसका मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस में लेट अस सी 200.1.2.130 ये मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस है, तो जो भी मेरा सबनेट मास्क होगा ना उसके साथ मैं एडिशन करूंगा, बिट वाइज एडिशन जो हम बोलते हैं वो एडिशन करूंगा इस आईपी एड्रेस का, ओके। सो उससे क्या होगा, मुझे नेटवर्क आईडी मिलेगा। नाउ हम एडिशन जब भी करेंगे तो हम इसके थ्रू एडिशन नहीं करेंगे, हम बाइनरी फॉर्म से एडिशन करेंगे। सो जो भी नंबर मिलता है उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। सो यहाँ पे ये हमारा सबनेट है, सबनेट मास्क, एंड जो हमारा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है 200 है, तो 200 को पहले हम कन्वर्ट करते हैं, तो 200 को कन्वर्ट करके हमें क्या मिलता है यहाँ पे 192+8, तो यहाँ पे 1000100 ये हमारा 200 है, देन 1 क्या होगा 0000001 एंड 2 क्या होगा 0000 एंड 0010 एंड लास्ट में 130 क्या होगा, तो 130 दैट मींस 128+2 तो यहां पे 128+2 तो ओके। सो ये मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ओके। यहां पे आपको थोड़ा अच्छा रहना पड़ेगा, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। नाउ अगर हम इसका बिट वाइज एडिशन करते हैं तो एडिशन में हम क्या करेंगे, एडिशन के बेसिक रूल आपको पता होंगे कि 1+0 0 होगा, एंड गेट अगर आपने पढ़ा हुआ है डिजिटल लॉजिक में तो बहुत इजी रहेगा, वही एडिशन हमें परफॉर्म करना है। 1 1 होगा 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 सो एंड नेक्स्ट इज 0 0 0 0 0 0 0 1 एंड 0 0 0 0 0 0 1 0 ओके। सो इफ यू सी कि यहां पे हमने 255 यानी कि ये जो 255 है सब वन है, उसके साथ हमने जो भी ऐड किया तो हमें वापस वही मिला, इफ यू सी ओके, तो हमें वापस 200 ही मिला, यहां पे भी हमें 1 मिला, यहां पे 2 मिला, ओके। सो अगर सारे 1 है उसके साथ हम जो भी ऐड करते हैं तो जो ऐड करते हैं वही हमें मिलता है, यानी कि 255+200 इसका हम बाइनरी एडिशन बिट वाइज करते हैं तो हमें 200 ही अगेन मिलेगा, ओके। सो ये याद रखना, हम अगेन बार बार इसको नहीं देखेंगे एग्जांपल सॉल्व करने में, आपको याद रखना है ना। अगर हम इसका एडिशन करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है 1 1 1 0 0 0 एंड नेक्स्ट इज 0 0 0 0 ओके 1 0 इज 0 सो यहाँ पे मुझे क्या मिला 128 ओके। सो अगर हम देखें 200.1.2.128 सो हमने आईपी एड्रेस कौन सा रखा था 200.1.2.130 और हमें सबनेट मास्क के साथ ऐड करने के बाद हमें क्या मिला 200.1.2.128। नाउ अगर हम यहां देखते हैं तो 128 क्या है, हमें जो सबनेट में इस आई पैकेट को भेजना है उसका नेटवर्क आईडी हमें यहां पे मिल गया। सो इससे हमें पता चलेगा कि यहां पे कौन से सबनेट में मुझे पैकेट भेजना है उसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, ओके।
हम नॉर्मली बता सकते हैं कि क्या किस तरह से कहाँ सेंड करना है, यहाँ पे हमें दिख जाता है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में ये चीज इंप्लीमेंट करनी है तो उसके लिए हमें सबनेट मास्क का यूज करना पड़ेगा। सो इस तरह से हमारे पास एक सबनेट मास्क बनाएंगे, देन उसके साथ जो भी आईपी एड्रेस हो उसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो भी उस पर्टिकुलर सबनेट का नेटवर्क आईडी होगा वो मिल जाएगा और उसके थ्रू हम पैकेट वहां पे पहुंचा पाएंगे। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि सबनेट मास्क क्या है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राउटिंग किस तरह से की जाती है। सो आई होप यू आर सब्सक्राइब टू अवर चैनल।